ओए कौन है तू? बड़ों को पहली बोना, छोटों को सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना ब्रेन मुंजाल। तो गाइस कैसे आप सब? सुबह के पौने नौ हो चुके हैं और अब मैं कॉलेज जा रहा हूं। आज भी बहुत बारिश हो रही है। मैंने जैसे कि कल बताया था लास्ट व्लॉग में कि मैं बारिश में नहीं जाऊंगा कॉलेज, लेकिन अब सबका मैसेज आया कि सब आ रहे हैं तो फिर मेरे को जाना पड़ेगा वरना मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी। और जो कल टेस्ट था हमारा वो भी आ जाए, क्योंकि कल बच्चे नहीं आए थे तो वो पोस्टपोन हो गया था। उनको मज़ा आएगा जो उनसे सोच रहे थे कि भाई टेस्ट हो गया होगा, उनको पता नहीं है। अभी मैम ने सिर्फ उनको बताया था कि भाई टेस्ट कल होएगा। तो चलो चलते हैं कॉलेज, मिलते हैं आपको वहाँ पर जाकर। गाइस देखो सारा रोड खाली पड़ा है, पर छतरी वाले अभी बैठे हैं बेचने के लिए, क्योंकि सीजन में तो काम होता है इनका। सारा रोड में देखो कुछ भी नहीं चल रहा, बाइक वाले चल रहा है बस एक, ये भी पता नहीं कैसे चल रहा होगा। इतनी तेज आगे बारिश लगती है, रोड तो सारा खाली पड़े, आगे पीछे कोई नहीं दिख रहा, कि बारिश की वजह से सब रुक जाते हैं कि बस। और मेरे को तो कॉलेज जाना है, लेट ना हो चुकी। चलो चलते हैं कॉलेज, मिलते हैं आपको कॉलेज में जाकर। तो गाइज मैं फोरा चौक तक पहुंच गया हूँ और अब ग्रुप में मैसेज आ रहे हैं कि कोई भी नहीं आया क्लास में, बिल्कुल क्लास खाली पड़ी है, कोई फायदा नहीं होने का, सारे धोखा दे गए। अब मैं आगे से किसी की बात पर विश्वास नहीं करूंगा, ना मैं कॉलेज जाऊंगा। अब अपने आप चाहे आए चाहे ना आए, मैं तो आता नहीं कॉलेज। ओ ये कौन है? ओए कौन है तू? तो गाइस देखो मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। और क्या वो देखो, हाँ तो देखो यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लग रही है क्योंकि आज बारिश हो रही है ना। देखो यहाँ पे कल तो घास कटवाया था कॉलेज वालों ने, आज फिर इतना सारा उग गया यहाँ पे। ऐसे लग रही है कोई ऑफिस ऑफिस में आ रहे हो। बच्चों की आ रही है कार, टीचर्स की तो आगे खड़ी है। तो गाइस हमको वर्ल्ड मैप बनाने वाले अंकल मिल गए हैं। ये देखो कितने सफाई से बारीकी से काम कर रहे हैं ये, इनको एक सल्यूट है। तो गाइस उधर आंटी बना रहे हैं वर्ल्ड मैप, वो एंटार्क्टिका बना रहे हैं, इधर ये इंडिया की तैयारी कर रहे हैं बनाने की, स्टार्ट तो कर दिया है। और ये देखो ये हमारे देश के जहाज खड़े हैं। सैग से करेंगे सबका स्वागत। तो गाइस ये कह रहे हैं लेक्चर बंक मारते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्लास लगाते हैं। तो गाइस ये अमित और वंश कह रहे हैं हम तो पक्का बंक मारेंगे आज का। 3 hours later। तो गाइस हम क्लास से फ्री तो हो चुके हैं, अब हमारी मेंटर बेंटी मीटिंग है मेंटर सर के साथ। 3 बजे फ्री हो गया आज क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है ना, तो बच्चे कम आए थे तो लेक्चर छोटे छोटे लगे थे। अब चलो चलते हैं मेंटर बेंटी मीटिंग में, मिलते हैं आपको वहाँ पर जाकर। एक्चुअली इसमें हमको अपने प्रॉब्लम्स बतानी होती है जो हमको कॉलेज में आ रही है, जैसे किसी टीचर से रिलेटेड या किसी भी फैसिलिटी से रिलेटेड। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आपको वहाँ पे जाकर। तो गाइस शाम के 4 बज चुके हैं और अब मैं कॉलेज से निकल गया हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हमारी मेंटर मेंटी मीटिंग थी अब लेक्चर के बाद, तो वो मीटिंग तो खत्म हो गया और मैं घर जा रहा हूँ। मैंने कुछ खाने पीने का मन कर रहा था लेकिन पापा ने कहीं बाहर जाना है, तो मैं अब घर जा रहा हूँ सीधा। सोचा कि घर जाके खा लूँगा कुछ, तो मैंने देव को फ़ोन किया कि जैसे और दौर जाता है तो कुछ खाने के लिए ले आएगा, पर वो भी आज घर ही है क्योंकि उसको फीवर हो गया था। तो फिर वो सीधा स्कूल से घर ही आ गया, ट्यूशन नहीं गया आज कोई भी। तो चलो चलते हैं घर, घर जाके बनाऊँगा कुछ आज, देखेंगे ओट्स वगैरह या मैगी वगैरह। तो गाइस शाम के 4:30 हो चुके हैं और अब मैं घर आया हूँ और देखो देव यहाँ पे लेटा पड़ा है, इसको बुखार हो रहा है बहुत तेज़, और ये बैठा हुआ यहाँ पे व्लॉग्स देख रहा है, फूड व्लॉग्स। तो चलो मैं खाना खाता हूँ, मम्मी ने आज अरबी बनाई है, चलो इसको एंजॉय करते हैं। मैं इस ईयर में पहली बार खा रहा हूँ ये, शायद यही सीज़न होता है इस खाने का। तो चलो इसको एंजॉय करते हैं, मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद, फिर लेंगे एक चाय की चुस्की क्योंकि थकावट हो जाती है सारा दिन। तो गाइस शाम के 5:30 हो चुके हैं, मैंने खाना भी खा लिया और चाय भी पी लिया है। तो चलो अब शॉप पर चलते हैं क्योंकि पापा शॉप पर नहीं है, तो इस टाइम कस्टमर वगैरह होते हैं। तो चलो चलते हैं शॉप पे, मिलते हैं आपको शॉप पे जाकर। फिर आगे मैंने काम भी करना है, कल जाना है कॉलेज, परसों का तो पता नहीं, बस कल सुबह बारिश ना आए तो ठीक होएगा। चलो मिलते हैं आपको दुकान पे जाकर।
तो गाइस शाम के 7 बज चुके हैं और पापा तो जैसे आपको बताया था कि कहीं काम गए हैं, तो वो वहाँ से आ तो गए हैं, तो मैं घर जा रहा हूँ गाड़ी लेकर, क्योंकि मेरी गाड़ी पापा ले गए हुए थे, तो दुकान पे भी खड़ी रहती है ऐसी, तो मैं घर लेकर जा रहा हूँ। चलो चलते हैं घर, मिलते हैं आपको घर पे जाकर। तो गाइस पहले ही हमारी गली इतनी पतली है और ऊपर से देखो कितनी भीड़ हुई है यहाँ पे। हेलो कुशु, टू आवर्स लेटर। तो गाइस रात के 10 बज चुके हैं, मेरे को बहुत भूख लग रही है। मम्मी ने दाल बनाई थी, दाल खाने का मन तो है नहीं, तो चलो फ्राइज बनाते हैं। मसाला फ्राइज तो बहुत पसंद है, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद खाने के बाद। तो गाइस रात के 10:30 हो चुके हैं और मैं दूध पी रहा हूँ, मम्मी दूध दे के चले गए हैं। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, व्लॉग अच्छा हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और आगे शेयर कर देना। कई दिन से सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, प्लीज़ आगे शेयर करो मेरे चैनल को, अगर आप मेरे को आगे बढ़ता देखना चाहते हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, हिट लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।